आर्मी अस्पताल में दवाई बांटने वाले की जहर से मौत, लगाया हत्या का आरोप बरेली। बदायूं से ECH आर्मी अस्पताल से नौकरी के पहले दिन घर लौट रहा मनोज की मौत हो गई। मनोज बरेली सिटी स्टेशन के पास माल गोदाम की तरफ पड़ा था। GRP पुलिस ने देखा मनोज बेहोश हालत में है, उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। मनोज के मोबाइल पर परिजनों का फोन आया, तब GRP वालों ने घर पहुँचने पर बताया मनोज की लाश पोस्टमार्टम हाउस पहुँचा दी गई, आप लोग उससे वहाँ मिल लीजिए। परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे और पूरी जानकारी ली। मृतक मनोज के पिता रमेश ने उन्हें बताया, मेरे बेटे मनोज की हत्या हुई है, किसी ने मनोज को जहर देकर मार दिया है। थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के ग्राम बल्लिया निवासी 26 वर्षीय मनोज सुपुत्र रमेश साहू बदायूं के रिटायर्ड आर्मी अस्पताल ICHS में औषधि डिटायरमेंट में दवाई बांटने का काम करते थे। पोस्टमार्टम हाउस पर आए मनोज के पिता ने बताया कि उनके बेटे का तबादला दिल्ली से बदायूं कुछ दिन पहले ही हुआ था। बीते सोमवार को उनके बेटे ड्यूटी पर जाने का पहला दिन था। ड्यूटी खत्म बरेली सिटी आने के लिए उनका बेटा ट्रेन में बैठा था। उसके बाद बेटे ने फोन पर संदेश दिया कि मुझे किसी ने जहर दे दिया है, किसी प्रकार का नशा दे दिया है, मुझे स्टेशन लेने आ जाओ। लेकिन उसके पिता ने बार बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठ पाया। उसके बाद GRP से सूचना मिली कि उनके बेटे की मौत हो गई है। सुनते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। GRP के मुताबिक बरेली सिटी स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा सूचना मिली कि यह यात्री बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है, उसे फौरन ही पास सी के निजी अस्पताल ले जाएं जहां की उनकी मौत हो गई। चूंकि फोन में लॉक लगा हुआ था इसलिए फोन लॉक परिवार वालों को सूचना देना मुश्किल हो गया। काफी देर बाद जब फोन नहीं आया तो शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। हमारा नाम रमेश कुमार। क्या घटना हुई, कैसे? ये सुबह को सही सलामत ड्यूटी गया है, कोई बात नहीं हमारे घर में। उसके बाद 5:30 बजे हमारे पास फोन आया, बोले हम पापा घर आ गए यहाँ दिल्ली बरेली और 1 घंटे में घर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 6:41 पर मैसेज गया है कि मुझे कुछ सी घुटी पिला दी चाय में, मुझे स्टेशन लेने आ जाओ। हम स्टेशन पर आए लेकिन हमें मिल ना पाए। उसके बाद ये कल लाश बरामद हुई है। कैसे सूचना मिली आपको? सूचना ये मिली, वैसे तो उस पर भी मोबाइल था, हमारा भी नंबर हम लिखवा गए, लेकिन इन लोगों को जब लाश मिली तो वो मोबाइल इन्होंने चार्जिंग पर लगाया तो हमारे भाई ने फ़ोन करा, तब इन्होंने आर्मी वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो हम GRP वालों ने, हाँ, पहले सूचना नहीं थी, सूचना नहीं थी, जब हमने अपने बाप तरफ से फ़ोन करा पहले सूचना देना, तब इन्होंने कही कि इस जगह आ जाओ, हमारे बिलव आके इन्होंने लाश भी उठा ली। कहाँ मिली थी? हमें तो लाश यहीं मिली है। लाश इनके आने से पहले क्या करते थे? ये तो डी फार्मा कोर्स था, जे मिलिट्री हॉस्पिटल में नौकर था दिल्ली, पहले दिल्ली करता था, अब यहाँ इसने ट्रांसफ़र कराया। पहले दिन ड्यूटी ज्वाइन करी इसने बदायूं में। किसी के शक है आपको? शक है, कल मोबाइल नंबर आए दिल्ली से, और बाकी तो अब क्या पता, उसके जो फोन द्वारा है उस पर शक ज़्यादा है। कहाँ का वो? दिल्ली के हैं वो लोग। क्या नाम है? एक का देव नाम है, देव, और एक का सैफ अली रखा है सर कोई नाम। क्या दुश्मनी? दुश्मनी कुछ नहीं साहब, पता नहीं उनके फोन परसों से आ रहा है बराबर, और वैसे कह रहा है कि ये लड़का हमारा दिल्ली चला गया तो 5-4 महीने से गया नहीं है वहाँ, तो इसने ये कह रहे थे हमारे पैसे हैं इसमें, पैसे दिलवाओ पैसे दिलवाओ। लड़के ने बताई ना तो हमने कल बताई, तो अब वो कल परसों हमने बात करी, हमने की क्या बात है, हमारे लड़के ने बात करी कि तो बोला तेरे भाई का मर गया क्या मुझ पर है, तो कल जो पूरे दिन उल्टी सीधी बातें करते रहे हमसे, अब आज हम फोन लगाते रहे तो फोन लगे नहीं इन लोगों के।